अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए जी, मैं आपको बताती होती हूँ ना कि मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही बस हम लोगों ने चाय पीनी होती है, तो मैं जाय नमाज़ पी थी तो आयरा ने मुझे चाय का कप दे दिया। फिर माशाल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ा और इशा की अजान तक तकरीबन मैं कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने मस्जिद चले जाना होता है, और आज तो भाई अजान हुई भी नहीं थी तो पहले ही मैं और आयशा मस्जिद चले गए थे, क्योंकि आयशा को बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था ना कि मम्मा जल्दी चले। आयशा अजान हो रही हो, बोलते नहीं है, चुप करके अजान सुनते हैं। ये जूते उठा के पीछे रख के आओ, आगे नहीं रखते। अच्छा आप जूते उठा के नहीं, पीछे रख के आओ। इसमें रखो ना आयशा, ऐसे नहीं खाते, वन बाय वन खाओ। ले लो बेटे, ले लो बेटे आप भी। दे आइयो जी। हाँ खा लो, आप खोल लो क्योंकि मैं खोल दूँ। आयशा को माशाल्लाह इतना शौक होता है ना, डेली उसे इतना इंतजार होता है कि मम्मा कब रात होगी और हम नमाज के लिए मस्जिद जाएंगे। आज तो अफ्तारी के फौरन बाद ही जिद करना शुरू हो गई थी कि मम्मा चलें, जल्दी चलें, नमाज लेट हो रही है। इस वजह से अभी अजान शुरू ही हुई थी तो हम लोग उधर पहुंच गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी। अजान के बाद भी काफी टाइम होता है, उतनी देर हम सुनते पढ़ लेते हैं, फिर फर्ज नमाज माशाल्लाह जमात के साथ पढ़ती हूँ मैं, और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम होता है और उसके बाद तरावी शुरू होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज पढ़ ली थी। और माशाल्लाह मैं रोजाना पढ़ती हूँ, और ये घर आके भाई आज मेरा जी जा रहा था बहुत ज्यादा कि पिज्जा खाऊं, तो बस हम लोगों ने ये एक पिज्जा मंगवा लिया था, बहुत मजा आया था ये खाने का, इतना फ्रेश पिज्जा होता है ना इनका। अगर हम उन लोगों से घर मंगवाएं ना, मतलब होम डिलीवरी करवाएं, तो वो इतना फ्रेश नहीं होता जितना कि जाके लाएं, या सिर्फ स्पेशल जाके मेरे लिए लाए थे। बच्चों को कह रहे थे कि आपकी अम्मा का जी चाह रहा है तो मैं जाके स्पेशल पिज्जा बनवा के लाता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे यासिर को। और सही टाइम आज हमने खाने
खाने थे जानी भाई के चने। जानी भाई हमारे स्ट्रीट के कॉर्नर पे ना इनकी शॉप है, तो ये चने जानी भाई के नेम से ही मशहूर है। मतलब जो लोग ये चने खाते हैं ना उन्हें पता है कि जानी भाई के शॉप के चने हैं, तो बहुत मजे की होते हैं। हमने साथ में नान तो नहीं खाए थे, मैंने पराठे बना लिए थे और साथ में ये चने थे। और इफ्तारी के बाद डेली कोल्ड ड्रिंक आती है मेरे बच्चों के लिए, इनका गुजारा नहीं है भाई, तो अगर सवेर तक बच जाए ना तो फिर सैरी टाइम भी मेरे बच्चे नाल है, जरूर पींदे ने। वेखो आई थिंक आयरा या इज्जा मेरे ख्याल में ये पी रही थी साथ में। और ये जनाब अंडा मैंने अपने लिए बनाया था, मुझे अंडा बहुत पसंद है, आप सबको पता है। तो आज का व्लॉग बस इतना सही है, मुन्ना सही है, इसलिए आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी शेयर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर लें। और कल वाली व्लॉग में आपको कचौरी की रेसिपी मिलेगी, सॉरी आज वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। मिलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।